डभोई तालुकाना करनाळी गामे नर्मदा नदी किनारे आवेल सुप्रसिद्ध यात्राधाम कुबेर भंडारी महादेव मंदिर आवेल छे। सहस्त्र वर्षोथी अहीं भक्तो अमास भरवा आवता होय छे। आवतीकालथी ज्यारे भगवान भोलेनाथना प्रिय मास पवित्र श्रावण मासनो प्रारंभ थवा जई रह्यो छे, साथे साथे आजे अषाढ़ी मास अने दिवसोनो दिवस होय त्यारे भक्तो भोलेनाथने रीझावा अने घर परिवारनी सुख शांति अने समृद्धि बनी रहे ते माटे प्रार्थना करवा करनाळी कुबेर भंडारी महादेव मंदिर खाते उमटी पड़िया हता। दर अमासना दिवसे अहीं मोटी संख्यामां भक्तोनो घसारो जोवा मळे छे। कालथी पवित्र श्रावण मासनो प्रारंभ थवा जई रह्यो होय त्यारे आ मासना दिवसे मोटी संख्यामां भक्तोनो घोड़ापुर उमटी पड्यु हतुं अने नर्मदामां स्नान करी भक्तोए भगवानने बिलीपत्र नर्मदा जळ दूध दहीथी अभिषेक करीने दर्शन करीने धन्यता अनुभवी हती। जी नमस्ते, हम एमपी से आए हैं। हमने यहां कुबेर जी का सुना था कि गुजरात में कुबेर जी है और नर्मदा किनारे के पास में, और यहाँ पर हमने पहले नर्मदा का स्नान किया और फिर हमने ऐसा भी सुना है कि यहाँ पर 5 अमावस या 7 अमावस को जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है, इसीलिए हम आज भी अमावस के दिन आए हैं मनोकामना के लिए। तो इसीलिए आज हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए यही हमारी इच्छा है। और यहाँ बहुत सी पब्लिक आती है और यहाँ का बहुत नाम भी सुना है हमने, तो इसीलिए आप सब से भी प्रार्थना है कि आप सब भी आके एक बार दर्शन जरूर करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। हमारे साथ हमारी पूरी फैमिली आई है। जी धन्यवाद। आज रोज अषाढ़ वद अमास होवासी प्रांत अने प्रांत थी भक्तों उमटी पड़ा है। आज नो खास महिमा अषाढ़ी अमासे दिवासो कहवाय, आज से सोमा दिवसे दिवाड़ी आवे, दिवाड़ी ना दीवा अपने प्रगटावीए छे, आ त्यौहारों राजा कहवाय। आजे जो हिंदू धर्मनी मान्यता मुजब दशामानी स्थापना करवामां आवशे 10 दिवस माटे, अने पवित्र श्रावण मास गुजरातनो शुरू थशे। उपवासो अभिषेको पार्थेश्वर पूजा बिलीपत्र सळंग आखो महीनो चालशे। आ माध्यम थी भक्तों ने एक नम्र विनंती करूँ छूँ कि नर्मदा माता दर्शन मात्र थी 7 जन्मना पाप दूर करे छे। एमा प्लास्टिकनी थैली, फाटला चंपल, फाटला कपड़ा एवं नाखशो नहीं, अंदर थूकशो नहीं, ब्रश करशो नहीं। नदी किनारे दर्शन मात्र थी 7 जन्मना पाप दूर करे छे। गुजरात की जीवादोरी छे अने नदीओनी अंदर એમનું છઠ્ઠું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે। ગંગા કરતાં પણ નર્મદા માતા જૂની છે અને પવિત્ર રાખજો તો આપણું જીવન પણ પવિત્ર રહેશે। કુબેર ભંડારી દ્વારા શ્રાવણ મહિનાની અંદર સૌની મનોકામના પૂર્ણ કરે। દિશા જોશીનો રિપોર્ટ, ડભોઈ।